इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में चलाए जा रहे एंटी माफिया के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। निगम के जोन क्रमांक 1 के राजश्री कॉलोनी में बगैर स्वीकृति के अवैध निर्माण किया गया था, जिसमें भूतल पर दुकानें बनाकर व्यावसायिक गतिविधियां और प्रथम तल के साथ द्वितीय तल पर आवासीय उपयोग किया जा रहा था। साथ ही भवन स्वामी द्वारा बगैर स्वीकृति के अवैध निर्माण किया गया था। सभी स्थलों पर हुए बिना अनुमति के निर्माण को निगम ने अवैध मानते हुए ध्वस्त कर दिया। दूसरी तरफ निगम ने शनिवार से ही सूचीबद्ध अपराधियों के खिलाफ भी मुहिम को आगे बढ़ाया। निगम प्रशासन ने जोन 14 में सुंदर मांगीलाल जाटव के निहालपुर मंडी स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यहाँ पर जो पाटलेपुरा इलाका है, चूँकि जिला प्रशासन नगर निगम के द्वारा एंटी भूमाफिया के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, उसी के तारतम्य में अभी पाटलेपुरा क्षेत्र में एक G+1 का मकान है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल बनाया गया था, बिना किसी परमिशन बनाया गया था। यहाँ पर भी संपूर्ण अवसर दिए गए थे, लेकिन किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, इससे लगे कि ये वैध निर्माण है। अवैध निर्माण होने के कारण इसको तोड़ा गया। एक और कार्रवाई एरोड्रम थाना क्षेत्र में भी प्रगति पर है, जिसमें कि बिना किसी अनुज्ञा के, अनुज्ञा के बिना परमिशन के कुछ दुकानें और मकान का निर्माण किया गया था, उसको खाली करवाया जा रहा है और अवैध निर्माण होने की श्रेणी में उसको भी तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं पुलिस और निगम प्रशासन ने पश्चिमी क्षेत्र के 6 ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की है, जिनके खिलाफ कई अपराध पंजीबद्ध हैं। ऐसे अपराधियों के साम्राज्य को जमींदोज करना भी शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के द्वारा हमको मांगा गया था बल, और आज हमने उनको बल प्रदान किया है। और ये रिमूवल एक सुंदर नाम के व्यक्ति के यहाँ से हो रहा है, अभी पूरा काम चल रहा है। कौन व्यक्ति था, कितना? सुंदर नाम का व्यक्ति है और ये पाटलियापुरा स्थान है, और लगभग 40 अपराध इन पे दर्ज है पुराने से लेकर अभी तक। लेटेस्ट अभी 2020 का अपराध है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।